Subscribe to our channel and press the bell icon and you would never miss an update from Dreamshot. Hey friends, welcome once again to the channel Dreamshot. हमारे पास क्रॉप सेंसर का बजट रहता है और क्रॉप सेंसर कैमरास खरीदने के बाद जो भी लेंस हम उसके ऊपर यूज करेंगे उस लेंस की इक्विवेलेंट फील्ड ऑफ व्यू वाला रिजल्ट नहीं आता है। मतलब अगर मैं कैनन के बारे में बोलूं तो क्रॉप सेंसर में 50mm का रिजल्ट लगभग 80mm आता है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा जूम वाला रिजल्ट हमें मिलता है। और हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि काश हमारे पास फुल फ्रेम कैमरा होता, क्योंकि काफी सारे इवेंट्स में हमें इस लिमिटेशन की वजह से हमें काफी दूर जाके फोटोज क्लिक करना पड़ता है। इसलिए हमें लगता है कि काश मेरे पास एक फुल फ्रेम होता तो अच्छा होता। एक क्रॉप सेंसर कैमरा होने के बावजूद अप्रोक्सीमेटली उसमें फुल फ्रेम का रिजल्ट कैसे लेके आए, आज उसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं डिफरेंस बिटवीन एडाप्टर एंड बूस्टर्स। उसके लिए हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में सोचते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल तरीके से देखते हैं। इनका रिस्ट्रिक्शंस, कॉम्पैटिबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे सिंपल टर्म्स में एडाप्टर और बूस्टर होता क्या है। मेरे पास एक क्रॉप सेंसर DSLR है और उसके साथ मेरे पास कुछ लेंसेस भी है। कुछ दिन बाद मुझे लगा कि DSLR से मिररलेस पे शिफ्ट हो जाता हूँ, और जब मैं मिररलेस बॉडी लेके आया मेरे पास ऑलरेडी जो DSLR के लेंसेस थे वो इसके साथ कंपैटिबल नहीं थे। आखिर DSLR का लेंसेस जो है मिररलेस बॉडी के साथ क्यों कंपैटिबल नहीं होता? मिररलेस बॉडीज में बॉडी में सेंसर और मिरर दोनों होता है। इसका मतलब यह है कि सेंसर के बाद मिरर के लिए ही थोड़ा सा जगह चाहिए होगा, उसके ऊपर हम लोग लेंस फिट कर देते हैं और लेंस कुछ इस तरीके से फिट हो जाता है कि जो भी लाइट रेस आता है वो एग्जैक्टली सेंसर पे कन्वर्ज हो जाता है। मतलब DSLR का लेंस कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है कि वो मिरर का गैप कंसिडर करके ही लाइट रेस को सेंसर के ऊपर सेंड करता है। अब मिररलेस में ऑब्वियसली मिरर तो नहीं होता है तो उतना स्पेस कम हो जाता है, तो DSLR वाला लेंस को कंपैटिबल करने के लिए हमें एक्स्ट्रा गैप ऐड करना होगा। इसके लिए हम बीच में एडाप्टर्स लगाते हैं। मिररलेस के ऊपर एक बार हम लोगों ने एडाप्टर लगा दिया, उसके बाद जो DSLR का लेंस होता है वो लेंस फिर से लाइट को एग्जैक्टली सेंसर पे ही कन्वर्ज कर देता है। तो अब हमें समझ में आया कि एडाप्टर्स एग्जैक्टली क्या करता है। उसका कुछ कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होता है, बस गैप क्रिएट करना होता है। अगेन लेट मी टेल यू, मैं कॉम्पैटिबिलिटी, रेगुलर एडाप्टर्स, इंटेलिजेंट एडाप्टर्स, प्रोस एंड कॉन्स के बारे में सब बात नहीं करूंगा। हमें सिर्फ इतना ही जानना था कि एडाप्टर्स क्या होता है। अब हम इसी सिनेरियो को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। मैंने कहा था कि मेरा DSLR बॉडी के साथ कुछ लेंसेस भी है। एज्यूम करते हैं कि उनमें से एक लेंस 50mm है। मैं तो 50mm का फैन हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये 50mm जब भी मैं क्लिक करता हूँ वो कैनन में 80mm बन जाता है क्रॉप फैक्टर की वजह से। कैनन में क्रॉप फैक्टर 1.6 होता है, इसलिए 50mm को अगर आपने 1.6 में मल्टीप्लाई कर दिया तो आता है 80mm। मतलब एक्चुअल फील्ड ऑफ व्यू जो होना चाहिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा जूम्ड वर्जन आ जाता है हमारे पास, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे रिजल्ट चाहिए फुल फ्रेम की तरह। 50mm से 80mm कुछ ज़्यादा ही क्रॉप है, तो मैं क्या करता हूँ, एडाप्टर के बदले में बूस्टर लगा देता हूँ मेरे मिररलेस बॉडी और 50mm के बीच में। जब आप फोटो क्लिक करोगे आपका रिजल्ट लगभग वैसे ही आएगा जैसे आप एक फुल फ्रेम कैमरा में क्लिक करते हैं। अब आप सोचेंगे कि एक क्रॉप सेंसर एक फुल फ्रेम कैसे बन गया। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। इस बार हम इमेजिन करेंगे कि हमारे कैमरा में फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर दोनों लगाया हुआ है। सोचो हम लोगों ने एडाप्टर डाला होता, लेंस से जो भी रेस आ रहा है वो वैसे की वैसे सेंसर के ऊपर गिरता। मतलब अगर फुल फ्रेम सेंसर है तो पूरा इमेज मिलेगा, और अगर क्रॉप सेंसर है तो 1.6 क्रॉप फैक्टर होगा। लेकिन यहाँ पे बूस्टर क्या करता है, जो भी रेस आ रहा है उन सारे रेस को कन्वर्ज करके क्रॉप सेंसर के ऊपर डाल देता है। एडाप्टर के अंदर कुछ नहीं होता, वो सिर्फ डिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए है, लेकिन बूस्टर के अंदर स्पेसिफिक ग्लास होता है जो रेस को कन्वर्ज कर देता है। तो अप्रोक्सीमेटली जो इमेज फुल फ्रेम सेंसर के ऊपर गिरता वही इमेज अब क्रॉप सेंसर के ऊपर है। फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर के बीच में क्या डिफरेंस है कि फुल फ्रेम में जो क्रॉप सेंसर में जो क्रॉप फैक्टर होता है वो नहीं होता है। तो अभी जो हमें रिजल्ट आया है वो भी लगभग फुल फ्रेम वाला ही रिजल्ट आया है। तो बूस्टर्स एक टाइप का मैजिकल इक्विपमेंट्स है जो क्रॉप सेंसर में क्रॉप फैक्टर ही हटा देता है। इतना ही नहीं, उसको और भी एडवांटेजेस है। अगर वो इक्विपमेंट रेस को कन्वर्ज कर रहा है और इमेज को छोटे सेंसर पे प्लेस कर रहा है, इट मीन्स दैट वो लाइट को भी कन्वर्ज करके वो छोटे सेंसर पे प्लेस कर रहा है। मतलब जितना लाइट फुल फ्रेम में आता उतना ही लाइट क्रॉप सेंसर में आ रहा है, तो हमारे लिए एक और एडवांटेज हुआ। और अगर लाइट इंक्रीज हो रहा है तो उस हिसाब से हम ISO भी कम रख सकते हैं।
तो एक तरीके से हम लोगों का इमेज क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है। इन दो एडवांटेज के साथ और एक मेजर एडवांटेज है, वो एपर्चर वैल्यू को भी डिक्रीज कर देता है। देखो बूस्टर का वैल्यू अलग अलग होता है। सोचो अगर आपका बूस्टर का वैल्यू है 0.6 और अगर आपके पास है 50 mm 1.8, तो 1.8 एपर्चर इंटू 0.6 रिजल्टिंग 1 एपर्चर अप्रॉक्सीमेटली। अब आप ये सोचेंगे कि एपर्चर का वैल्यू कैसे डिक्रीज हो गया, मैं उसको एक अलग तरीके से समझाता हूँ। आपने टेली कन्वर्टर्स के बारे में सुना होगा। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में जब हम टेली कन्वर्टर्स डालते हैं बड़े बड़े लेंसेज के साथ, तो उसमें हमें एक्स्ट्रा जूम मिलता है और उस एक्स्ट्रा जूम के साथ हमारा एपर्चर का वैल्यू भी इंक्रीज हो जाता है। ये जो बूस्टर्स होते हैं वो टेली कन्वर्टर्स के उल्टा काम करते हैं। लेंस के हिसाब से जितना जूम होना चाहिए था वो उसके ऊपर जूम आउट कर देता है। तो टेली कन्वर्टर्स जूम इन करके अगर वो एपर्चर का वैल्यू इंक्रीज करता है, तो बूस्टर्स जूम आउट करके एपर्चर का वैल्यू डिक्रीज करता है। हमारा फील्ड ऑफ व्यू बड़ा है, लाइट ज्यादा हुआ है और एपर्चर का वैल्यू कम हुआ है। इतना ज्यादा एडवांटेजेस होने के बावजूद हम लोग काफी सारे फोटोग्राफर्स को ये यूज करते हुए नहीं देखते हैं। एक्चुअली जब ये बूस्टर्स बने थे तो ज्यादातर मैनुअल फोकस करने वाले वीडियोग्राफर्स यूज करते थे, क्योंकि इसका ऑटो फोकस का प्रॉब्लम था, विनियटिंग आता था, बहुत सारे इश्यूज हुआ करता था। और आज की डेट में बूस्टर्स और एडाप्टर्स दोनों काफी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। प्रीमियम बूस्टर्स जो ऑब्वियसली बहुत महंगे होते हैं, क्लोज टू 90-95% तक ऑटो फोकस इश्यू नहीं रहा है। काफी सारे प्रीमियम बूस्टर्स में विनियटिंग भी दिखाई नहीं देता है। और पहले जो बूस्टर्स और एडाप्टर्स थे उनके कंपेटेबल लेंस और कैमरास बहुत कम हुआ करते थे। आजकल मार्केट में काफी सारे ऐसे प्रीमियम एडाप्टर्स और बूस्टर्स है जो बहुत सारे कैमरास के लिए कंपेटेबल हो चुका है, खास करके मिररलेस कैमरास। अभी जो बूस्टर्स और एडाप्टर्स है मार्केट में वो परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन 3-4 साल में बहुत कुछ डिफरेंस हो चुका है। मेरे ख्याल से कुछ दिन में एटलीस्ट प्रीमियम बूस्टर्स जो है दे विल बी अमेजिंग इक्विपमेंट्स टू हैव अलोंग विद योर क्रॉप सेंसर कैमरा। तो एक क्वेश्चन तो आपके मन में आया होगा, क्रॉप सेंसर लेके बूस्टर खरीदना ठीक रहेगा या फिर फुल फ्रेम में जाना ठीक है? लेट मी टेल यू, फुल फ्रेम कैमरा इज नॉट ओनली अबाउट फील्ड ऑफ व्यू, उसके साथ बहुत कुछ होता है। मोस्टली हम लोगों को एक ओवरऑल सिस्टम एनहांस्ड कैमरा मिलता है। अगर आपका बजट बहुत ही प्रीमियम क्रॉप सेंसर कैमरा लेने लायक है, एक प्रीमियम बूस्टर लगाने से अच्छा आप फुल फ्रेम पे ही चले जाओ। लेकिन आपके पास अगर लो बजट कैमरास है और आपको फुल फ्रेम कैमरास बहुत दूर लगता है, देन आई थिंक बूस्टर इज अ गुड ऑप्शन। क्योंकि सिर्फ प्रीमियम बूस्टर्स अच्छे होते हैं और वो डेफिनेटली महंगे आएंगे, तो आपको बूस्टर खरीदने से पहले आपके पास कौन सा लेंस है, कौन सा कैमरा है, कंपैटिबिलिटी क्या है, ये सब कुछ गूगल में अच्छे से देख के रिव्यू पढ़ के उसके बाद एक बूस्टर को खरीदने के बारे में आपको सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स अगेन, टेक केयर।